हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू द फार्माकोलॉजी। तो फार्माकोलॉजी ये जो वर्ड है, ये वर्ड दो वर्ड से मिला हुआ है। एक होता है फार्माकोन और दूसरा होता है लोगोज। फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग और लोगोज का मतलब होता है साइंस। सो फार्माकोलॉजी को हम ऐसा भी कह सकते हैं कि साइंस ऑफ ड्रग इज़ कॉल्ड एज फार्माकोलॉजी, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन इज स्टडी ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन ड्रग एंड बायोलॉजिकल सिस्टम इज कॉल्ड एज फार्माकोलॉजी। सर, आपने तो अंग्रेज़ी में बोल दिया मगर हमें कुछ समझ में नहीं आया। इसका मतलब क्या होता है कि स्टडी ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन ड्रग। ड्रग का मतलब क्या होता है? कोई एग्जांपल ड्रग का, वो ड्रग नहीं जो हम नशे के लिए यूज़ करते, वो ड्रग नहीं है। ये ड्रग होते हैं जो हम थेरेप्यूटिकली यूज़ करते हैं किसी डिसीज या डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए। कोई ड्रग लिया, सपोज एग्जाम्पल पैरासीटामोल हमने लिया, एंड इंट्रैक्शन ऑफ दैट ड्रग विद बायोलॉजिकल सिस्टम। बायोलॉजिकल सिस्टम मीन्स अपनी बॉडी के साथ कोई ड्रग क्या इंट्रैक्ट करता है। सपोज हमने पैरासीटामोल लिया, पैरासीटामोल किस लिए लेते हैं हम? पैरासीटामोल लेते हैं हम अगर हमको फीवर आ गया तो, उस केस में लेते हैं। तो उस केस में क्या करता है पैरासीटामोल? अगर आपने पैरासीटामोल ओरली लिया तो क्या करता है? अंदर जाता है और उसके एक्शन शो करता है। मतलब क्या होता है कि वो हमारी बॉडी के साथ इंटरेक्ट करता है। बॉडी के साथ इंटरेक्ट करने के बाद वो क्या करता है कि फीवर को कम कर देता है। तो उसको ही हम क्या कहते हैं? फार्माकोलॉजी। पैरासीटामोल अंदर गया हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम के साथ, यानी हमारे बॉडी के साथ इंटरेक्ट कर गया और उसकी जो स्टडी कर रहे हैं हम, उसको हम कहते हैं फार्माकोलॉजी। तो ड्रग क्या होता है? सर, आपने तो बताया कि ड्रग पैरासीटामोल होता है, मगर एक्चुअल में हम कैसे पहचानेंगे कि कोई ड्रग है या नहीं है? तो ड्रग की डेफिनेशन WHO ने की है, मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, कि एनी सब्सटेंस विच कैन बी यूज इंटरनली और एक्सटर्नली फॉर ट्रीटमेंट, मिटिगेशन, क्योर, डायग्नोसिस एंड प्रिवेंशन ऑफ डिसीज और डिसऑर्डर इन ह्यूमन बीइंग और एनिमल इज टर्म एज ड्रग। दैट मीन्स कोई सब्सटेंस अगर हम इंटरनली यूज़ कर रहे, जैसे कि सिरप और टैबलेट, सस्पेंशन, कोई भी जो हम इंटरनली यूज़ कर रहे, या कोई सब्सटेंस जो हम एक्सटर्नली अप्लाई कर रहे, जैसे कि ऑइंटमेंट, क्रीम, झंड बम, ऐसे कोई भी सब्सटेंस हम एक्सटर्नली यूज़ कर रहे, किसके लिए? ट्रीटमेंट के लिए, मिटिगेशन के लिए, क्योर के लिए, डायग्नोसिस के लिए एंड प्रिवेंशन के लिए। मगर किसी का प्रिवेंशन करना है हमको, किसका प्रिवेंशन करना है? डिसीज़ या डिसऑर्डर का। सर, आपने डिसीज़ भी बोला है और डिसऑर्डर भी बोला है। डिसीज़ और डिसऑर्डर ये दोनों अलग अलग वर्ड है, मतलब इसका मतलब अलग अलग होता है। डिसीज़ का मतलब क्या होता है? अगर हमें किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से अगर हमें कोई हमारे हालत में कोई बिगाड़ आती है, मतलब अगर हमारी हालत एबनॉर्मल हो जाती है किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इन्फेक्शन होने के बाद, तो उसको हम डिसीज़ कहते हैं। अगर हमारे बॉडी की इम्प्रॉपर फंक्शनिंग हो रही है, मतलब ठीक से खाना नहीं खाया तो डायरिया होना, उसको क्या कह सकते हैं हम? उसको कह सकते हैं डिसऑर्डर इन ह्यूमन बीइंग और एनिमल। ऐसा नहीं कि हम आदमी ही ड्रग लेते हैं, मतलब जो हमारी मानव प्रजाति ही ड्रग लेती है, अदर भी लोग ड्रग लेते हैं, मतलब जानवर, मतलब एनिमल, तो उसको ड्रग कहा जाता है। डायग्नोसिस के लिए भी हम जो केमिकल यूज़ करते हैं उसको भी हम ड्रग कह सकते हैं। ओके, कोई ड्रग हम ले रहे हैं किसी डिसीज़ को रोकने के लिए, जैसे कि कोई वैक्सीन है जो हम ले रहे हैं किसी ड्रग, मतलब किसी, अगर कोई वैक्सीन ले रहे हैं, सपोज अभी कोरोना की वैक्सीन नहीं निकली है, अगर कोरोना की वैक्सीन निकलेगी तो हम वो लेंगे। किसके लिए लेंगे? वो लेंगे कि हमें कोरोना ना हो जाए, इसलिए हम वो ड्रग लेंगे, मतलब वो वैक्सीन लेंगे, तो उसको भी हम ड्रग के कैटेगरी में ही कंसिडर करते हैं। और आपको सिंपल डेफिनेशन बताना चाहूँगा ड्रग की क्या होती है, कि हम ऐसे भी ड्रग की डेफिनेशन कर सकते हैं कि कोई सब्सटेंस जो हमारे एबनॉर्मल फिजियोलॉजी को नॉर्मल फिजियोलॉजी में कन्वर्ट करता है, उसको हम ड्रग कह सकते हैं। मतलब एबनॉर्मल फिजियोलॉजी मतलब क्या होता है कि अगर हमारी तबीयत ठीक नहीं, उसको हम क्या कहेंगे? एबनॉर्मल फिजियोलॉजी। हमारी तबीयत ठीक है तो उसको क्या कहेंगे हम? नॉर्मल फिजियोलॉजी। तबीयत ठीक नहीं है,
से तबीयत ठीक है उसको क्या कहेंगे, ड्रग कहेंगे। अ सब्सटेंस विच चेंज एबनॉर्मल फिजियोलॉजी टू द नॉर्मल फिजियोलॉजी इज कॉल्ड एज ड्रग। और अदर भी डेफिनेशन कर सकते हैं हम ड्रग की, कि एनी सब्सटेंस विच हैविंग फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट इज कॉल्ड एज ड्रग। ओके, तो इतना समझ में आया आपको। तो नेक्स्ट चलते हैं फार्माकोकाइनेटिक। फार्माकोकाइनेटिक ये जो वर्ड है ये दो वर्ड से मिला हुआ है, एक होता है फार्माकोन, फार्माकोन का मतलब आपको पता ही है ड्रग होता है, और काइनेटिक का मतलब क्या होता है कि मूवमेंट, मतलब ड्रग की मूवमेंट, मतलब ड्रग का एब्सॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन कैसे हो रहा है। स्टडी ऑफ एब्सॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग इज कॉल्ड एज फार्माकोकाइनेटिक। दैट मीन्स व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, मतलब बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है। पहले हमने ड्रग लिया तो बॉडी उसका क्या हाल कर देती है, उसका पहले एब्सॉर्प्शन कर देती है, उसके बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर देती है, डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद मेटाबॉलिज्म करती है एंड एक्सक्रीशन भी करती है, तो उसको कहते हैं हम फार्माकोकाइनेटिक। फार्माकोकाइनेटिक के ऊपर मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, उसमें उसका सारा डिटेल मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो अब तक के लिए इतना ही जान लो, इसके नोट्स बनाते रहो, ताकि मैं जो भी आपको पॉइंट बता रहा हूँ वो आप फिर से आपको वीडियो ना देखना पड़े, एक ही टाइम में आपको पूरा समझ में आए और रिवीजन आपका फास्ट हो जाए। और फार्माकोडायनेमिक का मतलब क्या होता है कि स्टडी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, थेरापूटिक इफेक्ट, साइड इफेक्ट, कॉन्ट्रा इंडिकेशन एंड इंटरेक्शन ऑफ ड्रग। सर आपने तो बहुत ही बड़ा इंग्लिश में बता दिया हमको, अभी हमको समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, कोई ड्रग ले रहे हैं, सपोज हमने पैरासिटामोल लिया, तो उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है आपको आगे पता चल जाएगा कि पैरासिटामोल क्या करता है, कि कॉक्स 3 एंजाइम को इनिबिट करता है, मतलब जो कॉक्स 3 एंजाइम रहता है उसका स्टिमुलेशन होने के बाद वो फीवर प्रोड्यूस करता है, और हमारा पैरासिटामोल क्या कर देता है, उसको इनिबिट कर देता है, और उसको इनिबिट करने के बाद क्या होता है कि हमारा फीवर इनिबिट हो जाता है, मतलब क्या होता है वो एंटीपायरेटिक एक्शन शो कर देता है, तो वो उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया। थेरापूटिक इफेक्ट क्या मिलेगा, उससे हमें हमारी बुखार कम हो जाएगी, वो थेरापूटिक इफेक्ट हो गया। साइड इफेक्ट क्या हो गया कि पैरासिटामोल का साइड इफेक्ट क्या होता है, अगर हमने ज़्यादा लिया तो वो क्या हो जाएगा, मतलब हेपेटोटॉक्सिसिटी इज साइड इफेक्ट, मतलब लीवर की टॉक्सिसिटी ये साइड इफेक्ट होता है पैरासिटामोल का, इसलिए वो लेबल पे भी लिखा होता है कि उससे हेपेटोटॉक्सिसिटी हो सकती है, लीवर टॉक्सिसिटी हो सकती है, लीवर डैमेज हो सकता है, इसलिए हम लेते वक्त हमें उसका ध्यान रखना चाहिए कि हमें कितनी टैबलेट लेनी चाहिए, और सेल्फ मेडिकेशन मत करना, किसी डॉक्टर को पूछ के ही लेना। अगर आपको एक दो दिन के लिए कुछ नहीं, मगर आपको अगर आप रोज़ रोज़ ले रहे हो पैरासिटामोल 3 दिन से ज़्यादा, तो आपको डॉक्टर को पूछना चाहिए। उसके बाद उसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन, अगर हम पैरासिटामोल ले रहे तो वो सेफ है कि नहीं। अगर एक ड्रग होता है उसका नाम होता है टेट्रासाइक्लिन, वो ड्रग हमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड करना पड़ता है प्रेग्नेंट वुमन में और चिल्ड्रन में, स्मॉल चिल्ड्रन में। अगर हमने वो ड्रग स्मॉल चिल्ड्रन या प्रेग्नेंट वुमेन को दे दिया तो उनके जो दांत होते हैं, वो टीथ होते हैं, वो येलो होते हैं, और जो बोन होते हैं, जो हड्डियाँ होती है, वो क्या हो जाती है, उसका डिफॉर्मेशन हो जाता है। इसलिए हमें उस बात की भी चिंता करनी चाहिए, उस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि कौन से ड्रग लेने चाहिए और कौन से नहीं। इसका स्टडी हम फार्माकोलॉजी में करते हैं, और फार्माकोलॉजी की 2 इम्पॉर्टेंट ब्रांचेस होती है, फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक। इसके बारे में मैं एक अलग अलग वीडियो डालूंगा, उसमें सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका कि कैसे एब्सॉर्प्शन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, एब्सॉर्प्शन के कौन कौन से टाइप होते हैं, मेटाबॉलिज्म कैसा होता है, कौन से एंजाइम करते हैं, कौन से प्रोसेस होते हैं मेटाबॉलिज्म के, एक्सक्रीशन कैसे होते हैं, एक्सक्रीशन के कौन कौन से चैनल होते हैं, सभी मैं इसमें देखूंगा। फार्माकोडायनेमिक मतलब क्या होता है कि व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, मतलब ड्रग हमारे बॉडी के साथ क्या कर देता है। अगर हमें बुखार आ गई तो ड्रग क्या कर देता है, बुखार को कम कर देता है। अगर हमें कोई इन्फेक्शन, हमारे बॉडी को कोई इन्फेक्शन हो गया, तो उस इन्फेक्शन से हमारे बॉडी को बचाता है ड्रग, उसको क्योर भी हमारा ड्रग ही कर देता है, उसके ट्रीटमेंट भी हमारा ड्रग ही कर देता है।
तो समझ में आया इतना। फार्माकोथेरापिटिक मतलब क्या होता है कि स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ ड्रग इन रिलेशन टू देयर एप्लीकेशन इन ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज और डिसऑर्डर। तो इसका एप्लीकेशन की स्टडी हम फार्माकोथेरापिटिक में करते हैं। अगर कोई ड्रग है उसको प्रैक्टिस में कैसे लाना है डॉक्टर के लिए, अगर कोई डॉक्टर उस ड्रग का यूज़ कर रहा है तो उसकी प्रैक्टिस कैसी करनी है, उस ड्रग को कितना देना है, उसका साइड इफ़ेक्ट क्या है, उसको हम किन लोगों को दे सकते हैं, हम प्रेग्नेंट वुमेन को दे सकते हैं या स्मॉल चिल्ड्रन को दे सकते हैं, हम बूढ़े आदमी को दे सकते हैं या नहीं दे सकते, उसका जो एप्लीकेशन है वो हम फार्माकोथेरेपिटिक ब्रांच में स्टडी करते हैं। उसके बाद आता है केमोथेरेपी। केमोथेरेपी का मतलब क्या होता है, यूज़ ऑफ केमिकल एजेंट इन ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज इन ऑर्डर टू हैविंग मैक्सिमम टॉक्सिसिटी फॉर इन्फेक्शन सेल एंड इन्फेक्शियस सेल एंड मिनिमम और नो टॉक्सिसिटी फॉर होस्ट और ह्यूमन बीइंग। इसका मतलब क्या होता है, किसी केमिकल एजेंट का यूज़ करके हम किसी डिसीज़ या डिसऑर्डर को हम क्या कर देते हैं, उसका ट्रीटमेंट कर देते हैं। किसी डिसीज़ या डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट करना किसी केमिकल एजेंट का यूज़ करके, मगर उसमें एक बात हमको ध्यान में रखनी है कि जब हम वो केमिकल एजेंट यूज़ करते हैं तो उसकी टॉक्सिसिटी उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ ज़्यादा होनी चाहिए, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ ज़्यादा होनी चाहिए और हमारे साथ या तो होनी ही नहीं चाहिए, अगर होगी तो बहुत ही कम होनी चाहिए, उसको हम क्या कहते हैं, केमोथेरेपी कहते हैं। टॉक्सिकोलॉजी मतलब क्या होता है कि स्टडी ऑफ पॉइजन, पॉइजन की स्टडी करना और उसके लिए जो हम एंटीडोट यूज़ करते उसकी स्टडी करना, और अगर कोई पॉइजनिंग हो गई है तो उसको ट्रीट कैसे करना है, उसकी जो मैनेजमेंट है वो टॉक्सिकोलॉजी में आती है। उसके बाद एंटीडोट क्या होता है, एंटीडोट मतलब क्या होता है कि कोई सब्सटेंस है जो पॉइजन के एक्शन को क्या कर रहा है, अपोजिट कर रहा है, मतलब पॉइजन के एक्शन को क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, उसको हम क्या कह देते हैं, एंटीडोट कह देते हैं। कुछ एग्जांपल है एंटीडोट के, हेपेरिन का एंटीडोट है प्रोटामाइन सल्फेट, वारफरिन का होता है विटामिन के, पैरासिटामोल का होता है एन एसिटिल सिस्टम, साइनाइड पॉइजनिंग में एंटीडोट यूज़ करते हैं हम हाइड्रोक्सोकोबालामाइन। हाइड्रोक्सोकोबालामाइन नाम से कुछ पता चल रहा है, साइनोकोबालामिन विटामिन सॉरी कोबालामिन एक विटामिन B12 भी होता है, ओके उसका ही डेरिवेटिव होता है, वो हम साइनाइड पॉइजनिंग में यूज़ करते हैं। अदर भी ड्रग होते हैं वो एंटीडोट नहीं होते मगर हम यूज़ कर सकते हैं साइनाइड पॉइजनिंग में, सोडियम नाइट्रेट और सोडियम थायोसल्फेट। इसेंशियल ड्रग मतलब क्या होता है कि ड्रग आर इसेंशियल फॉर हेल्थ केयर नीड ऑफ मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन, मतलब जो हमारी पॉपुलेशन है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये ड्रग चाहिए होता है, रिक्वायरमेंट ऑफ दोज ड्रग विच रिक्वायर बाय मोस्ट ऑफ द पीपल इज कॉल्ड एज इसेंशियल ड्रग्स। मतलब ये ड्रग कैसे होती है, मोस्टली सिंगल फार्मुलेशन सिंगल डोज फार्मुलेशन होते हैं। इसके बारे में भी जीपैड में एक क्वेश्चन पूछा गया था इसेंशियल ड्रग के बारे में, इसेंशियल ड्रग क्या होते हैं, तो उसका आंसर ही ये जो लाइन दिए है मैंने वो ही उसका आंसर है, द ड्रग्स इसेंशियल फॉर हेल्थ केयर नीड ऑफ मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन। उसके बाद ऑर्फन ड्रग क्या होते हैं, जो ड्रग हम रेयर डिसीज के लिए यूज़ करते हैं उसको हम ऑर्फन ड्रग्स कह देते हैं। रेयर डिसीज मतलब क्या होता है कि पूरे वर्ल्ड में जिसके 200,000 से भी कम केसेस होते हैं ईयरली, उस डिसीज़ या डिसऑर्डर को हम कह देते हैं रेयर डिसीज़, और उसके लिए जो ड्रग यूज़ करते हैं उसको कह देते हैं हम ऑर्फन ड्रग्स। उसके लिए जो ड्रग यूज़ करते हैं, बहुत सारे ड्रग होते हैं ऑर्फन, मगर जो इम्पोर्टेंट है मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, सोमेटोट्रोपिन, एंक्रोड, डिकॉक्सिन, सोडियम नाइट्राइड, फोमेपिजोल, लियोथेरोनिन, एम्फोटेरिसिन बी, रिफाब्यूटिन। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या होता है कि जो साइट, उस साइट से हम किसी ड्रग को दे रहे हैं, अगर कोई साइट है तो उधर से जो हम ड्रग दे रहे हैं उस साइट को क्या बोलेंगे, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बोल रहे हैं। अगर हम इंजेक्शन से दे रहे हैं तो वो क्या हो गया, पैरेंटल हो गया। अगर हम ओरल ले रहे हैं तो उसको हम एंट्रल कहेंगे। अगर हम लोकली मतलब अप्लाई कर रहे हैं तो उसको टॉपिकल कहेंगे, मतलब एंट्रल। एंट्रल ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है इंटेस्टाइन।
मतलब ऐसे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें ड्रग जो है वो इंटेस्टाइन में जाता है, उसको क्या कहते हैं हम, एंट्रल। पैरेंट्रल मतलब एंट्रॉन के बाहर, आउटसाइड द एंट्रॉन इज कॉल्ड एज पैरेंट्रल। लोकल मतलब जो हम लोकली अप्लाई करते। एंट्रल में क्या आते, ओरल, जो ओरली हम ड्रग लेते। सबलिंगुअल मतलब टंग के नीचे, जीप के नीचे। बक्कल, बक्कल म्यूकोसा में हम ड्रग को रख देते और स्लोली उसका डिसइंटीग्रेशन हो जाता है और उसका इफेक्ट मिल जाता है। पैरेंट्रल में क्या आता है, इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, इंट्राडर्मल, इंट्राथिकल, इंट्राआर्टेरियल, इंट्राआर्टिकुलर, ए इंजेक्शन होते हैं। और इनहेलेशनल ड्रग भी पैरेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू ही देते हैं, वो भी पैरेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में ही आते हैं। टॉपिकल में क्या आता है, ट्रांसडर्मल पैच, क्रीम, ऑइंटमेंट, ये टॉपिकल में आते हैं। इस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में वन बाय वन हम सभी ड्रग देखेंगे, मतलब वन बाय वन सभी रूट देखेंगे। ओरल के लिए मतलब एंट्रल के बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, पैरेंट्रल के बारे में सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और लोकल के बारे में सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगला वीडियो आने तक इस वीडियो को लिख डालिए। थैंक यू वेरी मच।